अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जुबेर। न्यू वीडियो में आप सबका खुशामदीद है। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं अजीम भाई के पास ही। अजीम भाई एक पास दो घोड़े हैं और इनके पास में एक दो बगियां हैं जो इन्हों रेंट के ऊपर आप लोग को यहां से फंक्शन के लिए, तो यहां से फंक्शन के यहां पर ऑर्डर आप बुक करा सकते हैं फंक्शन के लिए। तो यहां पर मारवाड़ी दो घोड़े हैं। तो आइए थोड़ा हम अजीम भाई से इसकी भी डिटेल, और ये रेंट पे देते हैं तो हम इसका पूरी हम आपको डिटेल देंगे। थोड़ा हम अजीम भाई से इसके बारे में भी बात कराएंगे और आपको हम घोड़े भी आपको यहाँ पर हमारे व्यूवर्स को बताएंगे। तो हमारे ये रहे अजीम भाई, थोड़ा हम अजीम भाई से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अजीम भाई, आपकी एक फ़र्स्ट पार्ट तो एक बन चुकी है माशाल्लाह से। हम सेकंड पार्ट के अंदर, आज ये हमारी एक फ़र्स्ट टाइम की एक वीडियो है, तो हम कभी भी हम नहीं बनाए थे ये घोड़ों की हॉर्स की वीडियो। हमारे एक दूसरे एक यूट्यूबर है अकरम डेयरी फार्म वाले जी। तो उन्होंने यहाँ घोड़ों की बहुत सारे, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस है। तो माशाल्लाह से आपके पास में ये जो एक सेटअप है आपका बग्गियों का, तो ये आप फंक्शन में आप क्या रेंट पे देते हैं ये? जी हो भैया, आपने को अब जैसे कि ज़रूरतमंद लोग हैं, अभी क्या है शहर में घोड़े पालने वाले भी बहुत कम हो गए। जी हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे बड़े भाई को शौक़ है इसका जी। तो अपन भी बड़े भाई को अपन भी कर लेते हैं समझो। अच्छा, तो शादी में एक तो शौक़ का शौक़ हो जा रहा, और प्लस पॉइंट क्या है बोले तो अपन शादी में देने का रेंट के लिए जी हाँ, बग्गी हो जाए और घोड़ा जैसा घोड़ी चाहिए होती है शादी में। अभी ये हमारे पास जो नर ब्लैक है और दो नखरे घोड़े भी हैं, वो इंशाल्लाह आप फिर कभी आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी ले लेना। तो और दो नखरे घोड़े हैं। ये जो घोड़े हैं ये कोसी नस्ल के घोड़े हैं? ये मारवाड़ी है भैया। ये मारवाड़ी है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत एंटीना कान है इसके भी, खड़े कान में। तो ये मेल है ये जी? हो गया, थोड़ा हम कवर करेंगे इसको माशाल्लाह से। और हाँ अजीम भाई, ये मेल है या फीमेल है? ये भी मेल है। ये पूरा ब्लैक कलर में है। ये कौसी नस्ल का है? ये भी मारवाड़ी है। ये भी मारवाड़ी जी। अच्छा, कुछ नहीं करता, एकदम फ्रेंडली रहते अपने जानवर। अच्छा, मारने तोड़ने का जैसा दूसरे जानवर आ रहे थे जी, मैं देखा सो बोल रहा हूँ भैया। शादियों में मैं जब लोगों के शादियों में जाता हूँ तो दूसरे बच्चे, अब अपने छोटे बच्चे क्या है मालूम, ऐसा जाके दुम पकड़ लेते, कुछ भी पकड़ लेते। अपने जानवर इतने अच्छे हैं, इन लोगों के साथ आप कुछ भी कर लो, आपको कुछ भी नहीं करते जी। मारना कतरना अपने जानवर में नहीं जी। अच्छा, तो ये एक बग्गी के ऊपर आप कितने घोड़े लगाते हैं? अब ऑर्डर देने वालों के ऊपर रहता भैया। अच्छा, अब देने वाले दो घोड़ों की अपने पास तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह से चार घोड़े अभी मौजूद है। ओके, अगर चाहिए किसी को, अगर हॉर्स ट्रेडिंग भी सीखना है वो भी अपन सिखाते हैं, ठीक है? चार घोड़े लगा सकते हैं अपन। एक्सेल जो है ना, यहाँ पर जो हम लोग ज्यादा भेजते हैं वो दो घोड़ों की। अच्छा, चलिए, दो घोड़ों का जो आप बग्गी के साथ दो घोड़े, क्या रेंट पे भेज देते हो आप बग्गी के साथ दो घोड़े? भैया देखो, 18,000 रुपए अपन पूछ रहे, इंशाल्लाह कम से कम नेगोशिएबल हो जाएगा। बात अभी आप बोले थे हॉर्स राइडिंग भी आप सिखाते हैं जी, तो वो हॉर्स राइडिंग आप तो अजीम भाई आप जैसा बता रहे थे कि अभी आप एक हॉर्स राइडिंग भी आप सिखाते हैं, तो ये आपके घोड़ों के ऊपर सिखाते हैं आप? जी भैया, अभी क्या है मालूम, घोड़ों के ऊपर अपने घोड़ों पे सिखाते हैं। पहले तो आपको मतलब घोड़े को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है जी। घोड़े के ऊपर बैठने से पहले अपन घोड़ा क्या है वो मालूम कर लेना। एग्जाम्पल, अपन घोड़े के ऊपर चढ़ रहे जी भाई, ज्यादा अक्सर घोड़ों में जो है ना गर्मी वाले घोड़े बहुत ज्यादा रहते जी। बैठने के बाद में वो लोग जो है ना एकदम, अभी जो है ये नॉर्मल रहता जी, जब इसके ऊपर अपन बैठते तो इसके अंदर कुदरती अल्लाह ताला एक उन लोगों के अंदर एक गर्मी रहती, जैसा इंसान बैठे तो गर्मी वो अंदर से भर के निकलती। वो जब घोड़े पे अपन बैठते ना, आप खुद घोड़े की रौनक बदल जाती इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में वो भी चला के बता दूंगा साथ में इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको क्या चारा देते हैं ये घोड़ों को? इन लोगों को भैया कुट्टी आती। अच्छा, और भूसा आता। अच्छा, और घास आती। अच्छा, तकरीबन बहुत सारे चीजें आते। तो एक टाइम में इसको कितना चारा केजी देते आप? एक टाइम में भैया
एक घोड़ा खाता 3-4 किलो तो खा। 3-4 किलो तो ये पैरों का ज़रा बताइए, ये जो चलते चलते अब जो घोड़ा रुक जाता गिर जाता या कुछ कुछ रहता है इसके पैरों को, तो उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए थोड़ा। घोड़े को एक तो प्लस पॉइंट क्या है मालूम भैया, जैसे आपने लिए एक स्लीपर रहती जी हाँ, एक अपन अपने पैर को सेफ साइड करने के लिए स्लीपर डला के चलते अपन जी हाँ, स्लीपर हो जाए या फिर बूट हो जाए कुछ भी शू हो जाए, तो इन लोगों में जो है ना भैया ये इधर आ जाओ आप, मैं बता देता हूँ, पैर उठा उठा जी, ये है नाल जी हाँ, हाँ तो ये नाल रहा तो घोड़ा जो है ना घोड़े को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, पत्थर छुप गया आपको हाँ। या कुछ भी ऐसा वैसा हो गया तो आपको ये प्लस पॉइंट रहता है जो नाल है ना भैया हाँ, ये नाल रहता है जुबेर भाई तो इससे घोड़ा क्या है तकलीफ नहीं देता, तकलीफ घोड़े को तकलीफ नहीं होती, घोड़े को तकलीफ नहीं होती तो अपने को तकलीफ नहीं होती बराबर। तो इन लोगों की लाइफ कितनी रहती है इसकी? इन लोगों की लाइफ रहती भैया मेरा उम्र के मेरे एक्सपीरियंस के साथ से एक 12 साल 12 से 15 अच्छे से आपने अपनी खिलवाई पे भैया खिलवाई पे आप अच्छा खिला सकते, आप चाहे सुबह में चना डाल लो फिर दोपहर में दूध पिला दो, ऐसे भी शौकीन हम देखे जी तो बनाते नहीं वीडियोस, अभी अपन गरीब आदमी है काम करके जीने वाले तो करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से यहाँ पर आप लोगों को ये दो बगिया है जो अच्छे डीलक्स के अंदर है, तो यहाँ से आप रेंट्स पे ले सकते हैं, 18,000 रुपये इन्होंने रेंट रखे है, तो आप लोग एक बार आपका फिर से एक बार लोकेशन और नंबर बता दीजिए भैया। लोकेशन है बेगमपेट पार्टी गड्ढा, ओके होल्ड पार्टी गड्ढा, ओके नियर रेलवे स्टेशन पार्टी गड्ढा रेलवे स्टेशन जी। चलिए एक बार नंबर बता दीजिए 9700213803। ओके मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, आप कभी भी कुछ भी बुक कराना है कोई भी जानवर के हद तक कुछ मालूम भी अगर इंशाल्लाह आपको कुछ मालूम करना है तो वो भी बेझिझक पूछ सकते हैं, जहाँ तक हो सका इंशाल्लाह आपका भाई आपके साथ। बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजीम भाई जो आपके माशाल्लाह से पूरे दोनों भी हॉट्स और दोनों भी बग्गियाँ आपको हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारी लगातार दिलचस्पी से हमारी पूरी वीडियो देखते रहते हैं। अजीम भाई बता रहा हूँ वहीं ठहरिए, थोड़ा उसका सिर उठाइए ऐसा बस बस इधर आ जाओ भैया। नहीं नहीं मेरे को पूरी वीडियो लेना था, ऐसा तो मैं ऐसा ले लेके चल जा सकते बस अजीम भाई आ जाइए, अजीम भाई इधर भी आ जाइए, थोड़ा आप उसके पास सामने धरिए वैसा करो, वेरी गुड बस बस पैरों पे पैर रखता हूँ।